अच्छा देख लेते हैं यार, चलो थैंक यू प्रिया। बस यार बहुत हो गया, एक काफी है। अच्छा ये कर, ये लगभग ये पैसा। अच्छा क्या हाल है, यूथ फिट फिजिकली। बहुत पहले शुरू किया होना चाहिए था इसको, तो ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव ग्राउंड बन सकता है क्रिकेट के लिए। वहाँ पे मौजूद है, मेरे आने का एक ही मतलब ये है यहाँ पे कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का हमारा स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हमारे स्पोर्ट्स के ऑफिसर्स हैं उनको ये मैं इंटरनलाइज करवाना चाहता हूँ कि जो दूर दराज के इलाकों में अच्छी जगह पे जगह हैं इनको प्रमोट करने के लिए दे शुड पर्सनली कम एंड विजिट दिस प्लेस। अगर हम लोग वहाँ श्रीनगर से यहाँ आ सकते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स क्यों नहीं आए। और ये जो जगह है दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस जो मैंने आज तक देखी है कश्मीर में, जिसको डेवलप किया जा सकता है। अभी ये डेवलप नहीं है, पीस ऑफ लैंड ही है, लेकिन इसको डेवलप करने की काफ़ी ज़्यादा इसमें वो सारी खसूसियात हैं जिसको एक अच्छे ग्राउंड को चाहिए। तो पर्पज़ ही यहाँ यही आने का है। और हमने पहले ही कोशिश की है कि थोड़ा सा हम इनको सपोर्ट करें, हम इनको रोलर दिया है, हमने इनको मैट भी दिया है, और हम कोशिश करेंगे इस बार कि इसकी हम चार दीवारी में भी हम थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे, साथ में क्रिकेट विकेट का भी हम सोच रहे हैं इनके लिए। तो और अगर वॉशरूम हो जाए, क्योंकि जब इतने लोग यहाँ रहेंगे तो वॉशरूम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होना ही चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वी थिंक ऑफ। लेकिन अल्टीमेटली मेरा यह है कि मैं एक बार फिर लोगों से कहूँगा कि दे शुड वॉलंटियरली हेल्प इन गेटिंग द एनक्रोचमेंट रिमूव्ड।